बिसमिल्लर असलात वालिक या रसूल वाल आलिका वह हबीबल्ल्लामामा अल फिरोज़ाबादी ने अबुलमज़र का ज़िक्र अपनी सनत से किया है कि वो फ़रमाते हैं कि मैं एक दिन गारब में दाखिल हुआ और रास्ता भूल गया अचानक मेरी मुलाकात हज़रत अलैहि सलाम से हुई उन्होंने फ़रमाया चलो मैं उनके साथ चल पड़ा और दिल में सोचा शायद ये ख़जर सलाम हैं मैंने पूछा जनाब का नाम क्या है तो उन्होंने फरमाया खजर बिन ईशा अबू अल अब्बास मैंने हज़रत खिजर के साथ एक और आदमी देखा मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा इलियास बिन साम मैंने कहा अल्लाह ताला तुम दोनों पर रहम फरमाए क्या आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत की है उन्होंने फरमाया हाँ मैंने कहा अल्लाह ताला की की कसम आप मुझे कोई बात बताएं मैं उसे आगे रवायत करूंगा तो दोनों ने फरमाया जो मुसलमान मोहम्मद वसल्लम पर दरूद भेजेगा उसकी बरकत से उसका दिल शादाब और तरोताज़ा होगा और अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर फरमाएगा और मैंने हजरत खजर और इलियास आलाम को ये फरमाते सुना कि बनी इसराइल में एक नबी थे जिनका नाम इसमील था अल्लाह ताला ने इन्हें दुश्मनों पर फतह अता फरमाई वो दुश्मन की तलाश में निकले तो लोगों ने कहा यह जादूगर है और इसलिए आया है कि हमारी आंखों को मशहूर करे और हमारे लश्करों में फसाद बरपा करें हम इसको समुंदर के किनारे पहुंचाएंगे और उसे शिकस्त देंगे बस आप चालीस आदमी ले कर निकले उन्होंने फरमाया हमला करो और ज़ुबान से सल्ला मोहम्मद कहो आपके अहब ने ये पढ़ते हुए हमला किया तो उनके दुश्मन समुंदर में इकट्ठे कर खोगे गए हज़रत ख़ीज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब कुछ हमारे सामने हुआ तो सुबहान अल्लाह दोस्तों कितनी अज़मत और फज़ीलत है दरूद पाक की कि इसके पढ़ने से उनको फ़तः नसीब हुई तो हमको भी चाहिए कि अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें ताकि हमारी भी मुश्किलें और मुसीबतें आसान हो जाएँ दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफ़ी अता फरमाए आमीन